दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं चार ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज जिनको आप कम से कम बजट में शुरू कर सकते हो और डेली का 8 से 10 हज़ार रुपए आसानी से कमा सकते हो। देखिए जब भी मैं कोई बिजनेस आइडिया का वीडियो अपलोड करता हूं तो मैक्सिमम लोग मुझे यही कमेंट करके कहते हैं कि सर जो आप ये बिजनेस आइडियाज बताते हैं इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज बताइए जिनको कम से कम बजट में शुरू किया जा सके। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए, इन चारों में से किसी भी बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो और महीने का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब वो चारों बिजनेस आइडियाज क्या है जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपको चारों बिजनेस आइडियाज बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो के अंदर हम चारों बिजनेस आइडियाज के बारे में शॉर्ट में बात करने वाले हैं ताकि कम से कम टाइम में मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर आपको लगता है इन चारों में से किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर आपको डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए फटाफट देख लेते हैं वो चारों स्मॉल बिजनेस आइडियाज कौन से हैं। सबसे पहला बिजनेस है रेजिन आर्ट बिजनेस। देखिए दोस्तों आज के टाइम में सिचुएशन ऐसी है कि लोग किसी भी चीज को परचेस करने से पहले ये देखते हैं कि उसका डिजाइन कैसा है, क्या वो चीज अट्रैक्टिव दिखती है या नहीं दिखती है। अगर उसको वो खरीदेंगे तो चार लोग उसके बारे में बात करेंगे या नहीं करेंगे, इस चीज को सोचकर लोग बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। इसीलिए दोस्तों रेजिन से बनी हुई चीजों की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि एक तो दिखने में बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ उससे बनी हुई जो चीजें होती है वो भी बहुत ही ज्यादा फैंसी होती है। अब दोस्तों रेजिन से आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए रेजिन से आप किचन बना सकते हैं, इयररिंग्स बना सकते हैं, सेंटर टेबल बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं, फ्रेम बना सकते हैं, लाफिंग बुद्धा बना सकते हैं, और भी अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बना सकते हैं, अल्फाबेट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों 60 से भी ज्यादा ऐसी चीजें बनाई जा सकती है और उनको बनाकर आप मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, एक तो आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा और साथ ही साथ में आपको बहुत बड़ा डिजाइनर होने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपको बेसिक क्रिएटिविटी आती है और इतना सेंस है कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगता है तो इस बिजनेस को आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों इस बिजनेस के लिए आपको मशीन भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग अलग शेप और अलग अलग साइज में मोल्ड मिल जाते हैं तो उनको आपको परचेस करना होगा और उसके बाद में कुछ चीजों को मिक्स करके उस मोल्ड में डालना है, उसको सुखाना है और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा जिसको आप मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हैं। अब वो चीजें कौन सी है जिनको आपको मिक्स करना होगा चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको सबसे पहले तो जरूरत पड़ेगी रेजिन की, उसके बाद में लिक्विड पिगमेंटेड की, उसके बाद में पिगमेंट रोल की और साथ ही साथ में आइसो प्रोफाइल अल्कोहल की जो 70% वाला होना चाहिए, तो इन सारी चीजों को आपको मिक्स करना होगा और उसके बाद में आप जिस भी कलर का बनाना चाहते हैं वो कलर डालना होगा, या फिर अगर आप उसमें जरी डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, या फिर जो भी चीज आप डालना चाहते हैं वो डालकर इसको बनाया जा सकता है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आपको अलग अलग प्रकार के अल्फाबेट्स बनाने हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा, अल्फाबेट वाला मोल्ड लेना होगा और इन सारी चीजों को मिक्स करके उस मोल्ड में डाल देना है और उसके बाद में आपके अल्फाबेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, अगर आपके पास 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा तो आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो रॉ मटेरियल है वो खरीदने के लिए खर्चा जाएगा लगभग 20,000 से 30,000 रुपए का, उसके बाद में जो बचा हुआ पैसा है उससे आप खरीद सकते हैं अलग अलग प्रकार के मोल्ड्स और उनको खरीदने के बाद अपने घर से ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बस मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जो भी लिक्विड है उसको सूखने में लगभग 24 घंटे का टाइम लग जाता है। अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊं कि इसको बनाया कैसे जाता है, साथ ही साथ में कितने में बन जाती है, कितने में मार्केट में बिकती है, ए टू जेड पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। दूसरा बिजनेस आइडिया है मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि हमको तो मोबाइल रिपेयरिंग करना आता नहीं है और इस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस भी नहीं है तो हम बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आज से कुछ सालों पहले तक क्या होता था कि अगर किसी को भी मोबाइल सेल से और सर्विस का बिजनेस शुरू करना होता था तो उसको सारे अरेंजमेंट खुद ही करने पड़ते थे। जैसे मान लीजिए अगर मोबाइल रिपेयरिंग करना नहीं आता तो एक्सपर्ट टेक्नीशियन को हायर करना, उसके अलावा जो स्पेयर पार्ट के डीलर होते हैं उनको फाइंड आउट करना, जो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है उनका अरेंजमेंट खुद करना, तो ए टू जेड सारे काम खुद करने पड़ते थे जो एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एक कंपनी जिसका नाम है मैग्नस स्टोर एंड केयर। दोस्तों मैं आपको बता दूं मैग्नस स्टोर एंड केयर एक मल्टी ब्रांड मोबाइल सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो अब पैन इंडिया लेवल पर अपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है, तो आप इनके साथ जुड़कर अपना खुद का मल्टी ब्रांड मोबाइल सेल्स
एंड सर्विस स्टोर ओपन कर सकते हो। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहला तो क्या, इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आपको एक प्रोफेशनल और फुल्ली एक्सपीरियंस पार्टनर मिल जाएगा, और साथ ही साथ में इस प्रकार का स्टोर ओपन करने के लिए आपको जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कि आपको पेमेंट गेटवे का सपोर्ट मिल जाता है, लॉजिस्टिक पार्टनर का सपोर्ट मिल जाता है, और भी कई सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। तो दोस्तों बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, और साथ ही साथ बिना किसी डिग्री के आप अपना खुद का मोबाइल सेल्स एंड सर्विस का स्टोर ओपन कर सकते हो और अपने कस्टमर्स को ग्रेट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कस्टमर इन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब दोस्तों ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नस स्टोर के अंदर कस्टमर जब भी आता है तो उसका जो मोबाइल होता है उसको लाइव रिपेयर किया जाता है, जिससे कस्टमर को ट्रस्ट हो जाता है कि उसके मोबाइल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। सो दोस्तों अगर आप इनके साथ जुड़कर बिजनेस शुरू करेंगे तो एक तो ये आपको ट्रेन स्टाफ देंगे जिससे कस्टमर का एंगेजमेंट बना रहे, और साथ ही साथ में आपको और भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे जिनको आप अपने स्टोर पे सेल कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, गैजेट्स हो गए, मोबाइल एक्सेसरीज हो गई, स्पेयर पार्ट्स हो गए। दोस्तों मैग्नस को इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 13 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर आप इनके साथ जुड़कर काम शुरू करेंगे तो आपको भी इनके 13 साल का एक्सपीरियंस यूज करने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैग्नस आज के टाइम में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 8 से भी ज्यादा स्टेट के अंदर सक्सेसफुली फ्रेंचाइजी और सपोर्ट सेंटर ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोकेशन बुक हो चुकी है और बहुत ही लिमिटेड स्टोर्स बाकी हैं। सो दोस्तों देर मत कीजिए, स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनके साथ जुड़कर अपना खुद का मोबाइल सेल्स एंड सर्विस का स्टोर ओपन कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इनके साथ जुड़कर काम शुरू करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा लगभग 7 लाख रुपए का। इसके अलावा दोस्तों इनके ऊपर मैंने एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखा है, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया है एक्रेलिक प्रिंटिंग बिजनेस। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आप ये जो फोटो देख पा रहे हैं ये फोटो एक्रेलिक शीट के ऊपर प्रिंट की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज के टाइम में ऐसे फोटोज की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि एक बार एक्रेलिक शीट के ऊपर ऐसा फोटो प्रिंट हो जाने के बाद में ये आसानी से निकलता नहीं है। दोस्तों आप यूं समझ लीजिए जब तक इसके ऊपर पानी नहीं लगेगा तब तक ये निकलेगा नहीं, तो इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। और दोस्तों जो एक्रेलिक शीट होती है वो दिखने में तो कांच जैसी ही होती है, लेकिन वो कांच से नहीं बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है पॉलीकार्बोनेटेड मटेरियल से। और दोस्तों इस बिजनेस की सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर आपका जो मेकिंग कॉस्ट पड़ता है वो पर स्क्वायर फुट के हिसाब से मैक्सिमम पड़ेगा 50 से 60 रुपया, लेकिन उसी चीज को आप मार्केट में बेच सकते हो 150 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में। तो आप खुद समझ सकते हैं पर स्क्वायर फुट के ऊपर आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। और दोस्तों अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक्रेलिक शीट प्रिंटिंग मशीन खरीदनी पड़ेगी, और इस मशीन के अंदर जो इंक यूज की जाती है ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगी जहां से आप मशीन खरीदने वाले हैं। इसके अलावा मार्केट में आपको एक्रेलिक शीट मिल जाएगी, ये आपको अलग अलग साइज और अलग अलग शेप में मिल जाती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी कस्टमर को दिल के हिसाब से चाहिए तो आपको दिल की शेप में मिल जाएगी, गोल में मिल जाएगी, और अलग अलग शेप में आपको मिल जाती है। तो आप उसको खरीद सकते हैं और उसके बाद में इसके ऊपर प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप जानना चाह रहे होंगे कि इससे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप सिर्फ फोटोज ही प्रिंट नहीं कर सकते, इससे आप नेम प्लेट भी बना सकते हैं, इसके अलावा नेचर आर्ट बना सकते हैं, वेडिंग कार्ड बना सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एग्जैक्टली कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ में कौन सा सामान आपको कहां कहां पर मिल जाएगा और कैसे आप इसको बेच पाएंगे, अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चौथा और आखिरी बिजनेस आइडिया पैकेजिंग क्लिप्स से रिलेटेड है। दोस्तों ये जो क्लिप आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं इस क्लिप को आपने तब जरूर देखा होगा जब आपके घर के अंदर कोई भी बड़ी चीज आई होगी, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया या टीवी हो गया। आपने देखा होगा जो भी पैकेजिंग होगी उसके ऊपर एक प्लास्टिक की मोटी सी रस्सी होती है और उस रस्सी को इससे पैक किया जाता है। तो दोस्तों आप यूं समझ लीजिए आज के टाइम में जहां कहीं भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को पैकिंग करके भेजा जाता है वहां पे इस प्रकार की क्लिप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आप चाहें तो इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। देखिए बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, अगर आपके पास 2 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। देखिए मशीन खरीदनी पड़ेगी, मशीन का कॉस्टिंग आएगा लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में, और उसके बाद में 50,000 रुपए आप पकड़ लीजिए रॉ मटेरियल का, और साथ ही साथ में फैक्ट्री सेटअप का पकड़ लीजिए 50,000 रुपया। तो 2.5 लाख रुपए में आसानी से बिजनेस शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं जो रॉ मटेरियल होता है वो पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा लगभग 60 रुपए का, और वो मार्केट में बिकता है होलसेल में 80 से 90 रुपए किलो के बीच में। तो दोस्तों अगर आप क्लिप बनाकर 75 रुपए किलो भी होलसेलर को देते हैं और पर केजी के ऊपर अगर आपको 15 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट भी बचता है तो फिर भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब कैसे कमा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर आपको 1 किलो के ऊपर 15 रुपए बच रहे हैं तो जो मशीन की बात मैं आपको बता रहा हूं वो मशीन एक दिन के अंदर अगर आपकी मशीन 8 घंटे चलती है तो आप 400 किलो माल बना सकते हैं। तो 400 × 15 हो जाता है 6,000 रुपया और महीने का हो जाएगा 180,000 रुपया। सो दोस्तों सारे खर्चे निकाल कर भी आप महीने का आसानी से 50,000 रुपए से लेकर
लेकर 1,00,000 रुपए तक कमा सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। उस वीडियो के अंदर मैं आपको ए टू जेड पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आपको कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ में कैसे बनाया जाता है, कहां पे बेचा जा सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा, ए टू जेड पूरा कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा। इसके अलावा इन चारों में से कोई भी बिजनेस के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।